नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। राजकीय धान क्रय केंद्र का SDM विजय वर्धन तोमर ने किया निरीक्षण। लोगों की शिकायत आ रही थी कि धान क्रय केंद्र पर तुलाई नहीं हो रही। इसी संदर्भ में SDM विजय वर्धन तोमर मंडी समिति धान क्रय केंद्र के पर पहुँचे और वहाँ जाके उसका निरीक्षण किया, लोगों से जानकारी की और जो धान क्रय केंद्र पर कार्य करने वाले अधिकारी हैं उनसे जानकारी की। जानकारी में यह पता चला कि कल धान क्रय केंद्र चला था मगर आज बोरे ना होने की वजह से धान क्रय केंद्र नहीं चल पा रहा। बारी का इंतजार में SDM विजय वर्धन तोमर ने सख्त आदेश दिया कि धान क्रय केंद्र मंडी में स्टैंप मौजूद है, चलाया जाए। किसानों की समस्या को देखते हुए शीघ्र से धान क्रय केंद्र चालू करने के लगभग एक घंटे में बोरे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, लोगों का खरीदना शुरू हो जाएगा। आज यहाँ पर मंडी समिति में किसान अच्छा मिल जाते हैं बोले। हाँ अच्छा अच्छा लोड हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आपके? आज यहाँ तोल नहीं हो रही, क्या बात है? पता नहीं, बार बार हम बता रहे हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ? सवेरे आ गए थे, तुम्हें 9 बजे करीब। अभी तक तोल शुरू नहीं हुई, क्या चाहते हैं आप? तोल हो जाए जल्दी, ये चाहते हैं। क्या रेट चल रहा है यहाँ पर धान का? 240 बता रहे हैं। 240 2040 2040 क्या नाम आपका? कहाँ से आए हैं आप? गुलाल वाली। यहाँ पर क्यों आए हैं? मुंजी तोलने आए। तो क्या तोलने रही है मुंजी यहाँ पर? आज तो नहीं, अभी तोल रही। क्या टाइम हो गया? टाइम तो मेरे ख्याल 11 बज गए हो गया इस टाइम। 12:30 अभी तक तोल शुरू नहीं हुई ना। क्या कारण है? क्या कह रहे हैं आपसे? कट्टे नहीं है बता रहे हैं। कट्टे नहीं है तो इसमें किसान जिम्मेदार सही है? हाँ जी, पता नहीं, अब ये जाने क्या करें। इतनी देर मारे SDM साहब आए, क्या करें? कह तो रहे हैं उनसे, कह सुन रहे हैं, क्या करते हैं। क्या नाम आपका? कहाँ से आए आप? क्या आपकी यहाँ मुंजी अभी बिकी नहीं? क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं आप? कह रहे थे आज तोल देंगे। तो अभी तक तोल शुरू नहीं हुई जी ना। आपका कब से आपके ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं यहाँ? 3 दिन हो गए जी, चौथा दिन आज। अभी तक तोली नहीं? अभी तोली, दोनों ट्राली है परले वाली। जी जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पता नहीं, बारदाना खत्म हो गया कह रहे हैं, बोरी वगैरह नहीं। 4 दिन से यहाँ पर खड़े हैं आप? हम तो आते हैं चले जाते हैं, फिर बैठ के चले जाते हैं, फिर आए हूँ। 4 दिन से कोई तोल नहीं हो रही यहाँ पर? तोल नहीं बन रही। किसानों के धान में कितनी सीलन है उसको चेक कर रहे हैं धान क्रय केंद्र पर। आप देख रहे हैं किसान में के धान में कितनी सीलन है उसको यहाँ पर धान क्रय केंद्र में चेक किया जा रहा है। अगर 17 के ऊपर आएगी तो धान किसान का नहीं लिया जाएगा। ये सीलन यंत्र है जिससे धान क्रय केंद्र के कर्मचारी इसको चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं धान के अंदर कितनी सीलन है। अगर ज़्यादा सीलन होगी तो किसान का धान नहीं लिया जाएगा। ये दे आप मीटर पर चल रहा है सीलन यंत्र जिसमें धान की सीलन का जांच किया जाता है। ये देखिए इस धान के क्रय केंद्र में ये 14.3 आई है तो ये धान ले लिया जाएगा। कितना मौसर है इसमें? 17 मौसर कितना है? 14.3 तो क्या रेट होगा इसका? कुछ नहीं, तुल जाएगी ट्राली, तुल जाएगी, 17 तो तुल जाती है जी सर। यहाँ पे हमारे धान क्रय केंद्र हमारे मंडी में 2 हैं, RFC के हैं और एक FSC के हैं, दोनों RFC के हमारे हैं ये। और इसमें हमारे मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और गोदाम प्रभारी जी हम मौजूद हैं, यहाँ पे सेंटर इंचार्ज हैं और उन्होंने खरीद कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा बोरे शॉर्ट हो गए थे, अभी वहीं से लौटे हैं अपने हमारे केंद्र प्रभारी, बोरे लेके आ रहे हैं। और बाकी अब तक कुल जाके हमारे 2 कांटे यहाँ पर हैं,
एक कांटे पे हमारा 5875 कुंटल धान का हम लोग खरीद कर चुके हैं, दूसरे कांटे पे 4431 कुंटल है और लगातार खरीद की जा रही है। कल भी हमारे यहाँ एक कांटे पर 299 कुंटल खरीद हुई थी और दूसरे कांटे पे 594 कुंटल हुई थी। हाँ, थोड़ा सा सुबह से बाहर जाने में ख़त्म हो गए थे, जो गोदाम हमारे जो प्रभारी हैं वो लेके आ रहे हैं, बस वो 5-10 मिनट में हम लोग शुरू कर देंगे।